एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, जो कि एक ब्रिलियंट लीडर रह चुके हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन के 50 सालों में सीखी हो, वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? वेल, इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग्स को 15 मिनट में बताया था 3 कहानियों के माध्यम से। मैंने अपने एक सेमिनार में ऑडियंस से पूछा था कि आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच सुनी है, तो उसमें से सिर्फ 1-2 लोगों के हाथ खड़े थे, बाकी किसी ने भी नहीं सुनी। और उसमें से कईयों ने सिर्फ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो स्पीच इंग्लिश में है। और संदीप सर ने भी इस स्पीच को हाईली रिकमेंड किया है हर एक इंसान के लिए। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स, जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो जरूर देखें। तो अपनी उस स्पीच में वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही और सारी ही कमाल की थी। तो आज शब्द सारे स्टीव जॉब्स के हैं, मैं तो बस उन्हें आवाज देकर हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए। तो मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त कर दें। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक विस्फोटक परिवर्तन आ सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद में आप आंदोलित हो उठेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आप सभी के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियाँ सुनाऊँगा, ज़्यादा नहीं, बस 3 कहानियाँ। पहली कहानी है डॉट्स कनेक्ट करने के विषय में। रीड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पर ही आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वेल, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले ले, लेकिन इसी के साथ वो ये भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट ज़रूर रहे। और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा एडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया, लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी। इसीलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया, जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्हें कॉल करके बताया गया कि हमारे पास में एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली माता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अंतिम एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीने बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, और इस वजह से उसकी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। और कुछ इस तरह मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद में मैं कॉलेज गया। लेकिन गलती से मैंने स्टैनफोर्ड जैसा ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरे वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ, कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे ये चीज़ बहुत ही डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया था, तो मैंने उन क्लासेस को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लासेस को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरों में मैं ज़मीन पर सोता था। मैं कोक की बोतलों को लौटाकर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार मैं पेट भरकर खाना खा सकूं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज ड्रॉप आउट करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रीड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी जहाँ कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कॉलेज परिसर में हर एक पोस्टर, हर एक लेवल पर बहुत ही खूबसूरती से हाथों से कैलीग्राफ किया जाता था। और क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए मुझे सामान्य क्लासेस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं कैलीग्राफी की क्लासेस करूंगा और इसे अच्छी तरीके से सीखूंगा।
तो मैंने सेरिफ और सैन सेरिफ टाइप फेसेस के बारे में सीखा, अलग अलग अक्षरों के बीच में स्पेस वेरी करना सीखा और किसी अच्छी टाइपोग्राफी को क्या अच्छा बनाती है यह भी मैंने सीखा। यह सब कुछ बहुत खूबसूरत था, ऐतिहासिक था और इतना आर्टिस्टिक था कि इसे साइंस के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता था और यह सभी मुझे बहुत ही आकर्षक लगता था। उस समय मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं था कि मैं इन चीज़ों का प्रयोग कभी अपने जीवन में करूंगा, लेकिन जब 10 साल बाद हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे तब मैंने इसे मैक में डिज़ाइन कर दिया और यह बहुत ही खूबसूरत टाइपोग्राफी वाला विश्व का पहला कंप्यूटर बन गया। अगर मैंने कॉलेज में केवल कैलीग्राफी में प्रवेश नहीं लिया होता तो मैक में कभी भी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स नहीं होते और क्योंकि विंडो ने मैक की कॉपी की है तो दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये सब नहीं होता। अवश्य ही जब मैं कॉलेज में था तो भविष्य को देखकर इन डॉट्स को कनेक्ट करना असंभव था, लेकिन जब 10 साल बाद में बीते समय को देखता हूँ तो मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आता है। आप केवल पीछे देखकर ही डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको विश्वास करना होगा कि अभी जो भी हो रहा है वो आगे चलकर किसी न किसी तरह से आपके फ्यूचर से कनेक्ट हो जाएगा। आपको किसी न किसी में तो विश्वास करना ही होगा, अपने गट्स में, अपने भाग्य पर, अपने जीवन पर या फिर अपने कर्मों पर, किसी न किसी चीज़ पर तो विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इस बात में विश्वास रखना कि आगे चलकर डॉट्स कनेक्ट होंगे ये आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत देगा और उस समय भी जब आप बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहे होंगे और यही बात आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो मेरी पहली कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और अभी आप जो भी कर रहे हैं वो आगे चलकर आपके किसी न किसी काम ज़रूर आएगा। आप बस अपने आप में विश्वास रखकर करते जाइए जो कर रहे हैं। मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस के विषय में है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे जल्द ही मिल गई। वॉज और मैंने अपने पिता के गैराज से एप्पल की शुरुआत की थी जब मैं 20 साल का था और हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। हमने अभी एक साल पहले ही मैकिंटोश रिलीज़ किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी से मुझे कैसे निकाल दिया। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक बुद्धिमान आदमी को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि वो मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले एक साल सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगे और बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक पहुँच गई और उन लोगों ने उसका साथ दिया और इस तरीके से 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था वह अब खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का भी सोचा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने एक बार फिर से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त ये नहीं देख पाया था लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा मेरे साथ कुछ और हो ही नहीं सकता था। सफल होने का बोझ अब बिगनर होने के हल्केपन में बदल चुका था। मैं एक बार फिर से स्वयं को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी आज़ादी की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव पीरियड में चला गया। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर शुरू कर दी और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से मिला जो कि आगे चलकर मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई और आज के समय यह दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है और एप्पल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है। तो यहाँ पर मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो ये सब कुछ मेरे साथ नहीं होता। यह एक कड़वी दवा थी लेकिन मेरे विचार में एक मरीज को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह की ठोकर मारती है लेकिन आप विश्वास मत खोइए। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने काम को खोजना जिसे आप सच में इंजॉय करते हो, क्योंकि आपका काम आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही एक तरीका है कि आप वो करें जिसे आप एक बड़ा काम समझते हैं, और बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वो करें जो आप करना पसंद करते हैं। और अगर अभी तक आपको वो काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। जैसा कि दिल से जुड़ी हर एक चीज़ में होता है वो जब आपको मिलेगी तब आपको पता चल जाएगा, और जैसा कि किसी अच्छे रिलेशनशिप में होता है वो समय के साथ साथ और भी अच्छी होती जाएगी। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत।
मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने कोट पढ़ा था, यदि आप हर दिन ऐसे जिएंगे जैसे आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी न किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। और इसने मेरे दिमाग पर एक बहुत ही बड़ी छाप छोड़ दी। और तब से पिछले 33 सालों से मैं हर सुबह उठकर शीशे में देखता हूँ और खुद से एक सवाल करता हूँ कि अगर आज का दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वो करता जो मैं करने वाला हूँ। और अगर इसका आंसर ना होता है तो मैं समझ जाता हूँ कि कुछ न कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ के खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं, ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। करीब एक साल पहले ही मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पेनक्रियाज में ट्यूमर है। और सच कहूँ तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पेनक्रियाज होता क्या है। डॉक्टर ने लगभग पूरे विश्वास के साथ में मुझे बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका उपचार करना संभव नहीं है और अब मेरे पास केवल 3 से 6 महीने ही बचे हैं। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाऊं और सभी चीज़ें व्यवस्थित कर लूं। यानी कि डॉक्टर की भाषा में इसका मतलब था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए, यानी कि वो सारी चीज़ें जो आप अगले 10 साल में करने वाले थे वो बचे हुए दिनों में कर लीजिए क्योंकि आपका अंतिम समय आ चुका है। मैंने इस डायग्नोसिस के साथ में पूरा दिन बिता दिया और शाम को मेरी बायोप्सी हुई जहाँ पर मेरे गले के रास्ते से पेट से होते हुए एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई से ट्यूमर के कुछ सेल्स निकाले गए। उस वक्त मैं पूरी तरह से बेहोश था, लेकिन मेरी पत्नी और वहाँ पर जो भी उपस्थित था कि जब डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स को देखा तो वह भी रो पड़ा क्योंकि सेल्स को देखकर डॉक्टर समझ गया था कि मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। तो मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मौत के इतने करीब तक मैं पहले कभी भी नहीं पहुंचा और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ समय तक मैं पहुंचूं भी ना। और यह सब देखने के बाद मैं पूरे विश्वास के साथ में यह कह सकता हूं कि मृत्यु एक उपयोगी लेकिन विशुद्ध रूप से बौद्धिक संकल्पना है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो भी वहाँ जाने के लिए मरना नहीं चाहते। मृत्यु ही वो स्थान है जहाँ पर हम सभी लोग जाते हैं। आज तक कोई भी इससे बचा नहीं है और ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि इस जीवन का एकमात्र सबसे बड़ा आविष्कार है वह है मृत्यु। यह जिंदगी को बदलती है, पुराने को समाप्त करने का रास्ता खोलती है। और इस समय पर आप सभी लोग नए हैं और कुछ ही दिनों में आप सभी लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। इतना ज़्यादा नाटकीय होने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही सत्य है। आपका समय बिल्कुल सीमित है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अपने दिल और सहज बुद्धि की बात सुनने का साहस रखें क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि तुम वास्तव में क्या बनना चाहते हो। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुने, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और अब जब आप सभी लोग यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो मैं आप सभी के लिए भी यही विश करता हूँ, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। यानी कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी कि कुछ करने की भूख आपके अंदर होनी चाहिए और मूर्ख रहो क्योंकि मूर्ख रहकर ही आपको सीख पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सब कुछ पहले से जानते हैं तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। तो भूखे रहिए और मूर्ख रहिए, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं दीपक दया आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस स्पीच को कन्वर्ट करने में या फिर मुझसे कुछ भूल हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करते हैं। ऐसे ही और इंस्पायरिंग मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।